नमस्कार, मैं हूँ सौरभ वाष्णेय और आज हम उपस्थित हैं सीपीजी कॉलेज में, जहाँ आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और मेरे बीच उपस्थित हैं विजय कुमार जी, जिनसे हम जो है बातचीत करेंगे। सर, तो सर मैं जानना चाहूँगा, राष्ट्रीय सेमिनार का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो छात्रों को किस तरीके से इसका जो लाभ मिल पाएगा? देखिए, आपके चैप्टर का जो हेडिंग है वो बताएं क्या है हेडिंग? राष्ट्रीय सेमिनार का इंग्लिश में बुलाइन था, जब हम कहते थे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अब वो बहुत पुराना हो गया। नाउ इनोवेशन इज द ग्रैंड मदर ऑफ ऑल योर नेसेसिटीज। दिस इज माई पर्सनल इंसेप्शन और कंसेप्शन, व्हाटएवर यू विल से, क्योंकि बिना किसी इनोवेशन के आपकी कोई इन्वेंशन हो ही नहीं सकती। एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, एंड यूजर। तो आपका जो टॉपिक है अगर इस पॉइंट को टच करता है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम ग्रैंड सक्सेस। दिस इज माई ओन। तो सर, आप यहाँ आए तो कुछ आगे अपने अनुभव, जैसे कि आप बता रहे हैं बच्चों को लाभ मिल सके, उनके बारे में भी थोड़ा दो शब्द बता सकते हैं। बच्चों को लाभ मिलने के लिए मैं जिस कॉलेज में भी जाता हूँ, अपना एक अनुभव के बेस के ऊपर मैं बच्चों को एक अपना संदेश दे के जाता हूँ। और वो संदेश ये है कि आजकल जो हमारा डिजिटल इंडिया और हम सब लोग डिजिटाइज्ड हो गए हैं, कम से कम मैं बच्चों को कहता हूँ कि हमसे जो भी उम्र में सीनियर हैं जी, जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कभी भी आप डिजिटल में विश मत दीजिए। अगर डिजिटल में विश करेंगे तो वो डिजिटल में ही रह जाएगा। अगर मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो मुझे डिजिटल में विश करते हैं हैप्पी बर्थडे या हैप्पी दिवाली जैसे किया उन्होंने अभी, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देता हूँ, उनको देता हूँ जो आकर के पर्सनली मेरे को विश करते हैं। और फिर मैं उनको हगिंग करके और जो मैं उनको विश में रिटर्न करता हूँ वो जो खुश होते हैं। तो मेरा मैसेज सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए यंगर हैं, उनके लिए यही है, प्लीज़ नेवर बी डिजिटाइज विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑलवेज गो एंड डोंट फॉरगेट योर ओल्ड 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 थिंग्स, पर्सनली जाकर उनको विश कीजिए, यही मेरा संदेश। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र त्याग जी, जिनसे जानेंगे। सर, आज राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है सीपीजी कॉलेज में, तो जिस टॉपिक को लेके इनोवेटिव रिलेशन इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को लेके जो राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में दो सकते हैं। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि कॉन्फ्रेंस में अलग अलग रिसर्च आइडियाज़ जो है दिए जाएंगे यहाँ पर। और ये जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो सकता है और टेक्नोलॉजी को मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए पर्टिकुलरली सब टॉपिक्स और सब थीम्स बनाए गए हैं, जिनके ऊपर जितने भी रिसर्चर्स या जो आएंगे यहाँ पर वो अपने अपने रिव्यूज़ और आइडियाज़ पेश करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो उन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करके कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नए पेटेंट्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको नए नए थॉट्स मिलेंगे कि आगे अपने करियर में कैसे वो परस्यू करेंगे। आगे जाके अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो कौन से नए प्रोडक्ट्स वो डेवलप कर सकते हैं, या फिर कॉलेज के दौरान रहते हुए भी फैकल्टी के साथ मिलकर कौन कौन से नए रिसर्च आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होगा। तो सर, संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों के लिए संदेश यही है कि क्योंकि बच्चों का मेन काम है कि नए आइडियाज़ को जो है ना डेवलप करते रहना, सिर्फ किताबी नॉलेज से तक ही सीमित ना रह के नई नई चीज़ों के बारे में निरंतर सोचते रहना, जिससे कि उन आइडियाज़ को अप्लाई करके वो कुछ ऐसा नया क्रिएट कर सकें जो कि भारत का भी नाम रोशन कर सके और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी को आगे दिखा सके।